Jorhat. I welcome you, sir, to APA Jorhat and express my heartfelt gratitude for taking time out of your busy schedule to enlighten our students today. Over to you, sir. Thank you. Thank you, guys, for having me here. My name is Rahul, Bharadwaj, and I currently work with Royal. Everyone is a politician as a whole.
but nobody is a politician like Modi. मतलब example बोल रहा हूँ because he is a PM. So what we guys do, हम लोग TV के सामने बैठ के हम लोग क्या करते हैं criticize करते हैं. Right? But is that effective? Is that productive? No. Your idea should convert into action. Only then it is lucrative. Okay, क्या बोल रहे हैं? Yes. To achieve their goals. What is their goal in life? See, I am not here to teach. हाँ, मैं पहले ही बोला. I am here to learn. मैं आप लोगों से सीखूंगा. Yes, ma'am. जोर से बोलो उसको सुनाइए. Okay, all right, fair enough. Who is more powerful amongst them? Who is more powerful? Huh? Lion. Okay, all right, fair enough. Thanks, ma'am. Thank you. आप लोगों में से कोई appreciate नहीं कर रहा है जब कोई answer देता है? She is giving an answer, so I appreciate. Start appreciating each other, okay? तो उससे क्या होगा? There will be a uniformity of motivation. और जब यूनिफॉर्मिटी ऑफ मोटिवेशन आता है ना तो आप लोग बजम का काम कर सकते हैं इन लाइफ. ठीक है? ओके, एनी अदर कुछ और दिमाग में आ रहा है? इन दोनों से हार्ड वर्किंग कौन है? डीएम है. कैसे कैसे? सॉरी सर, व्हाट इज दैट क्वेश्चन? हु इज मोर हार्ड वर्किंग? दोनों से हार्ड वर्किंग कौन है? आप लोगों ने स्टार्टिंग में प्रेजेंट पावर पॉइंट का स्लाइड पढ़ा था ना? दिस इज नॉट अ सेशन अबाउट राइट और रॉन्ग. एवरीवन इज राइट एंड एवरीवन इज रॉन्ग. ओके, पता चला कि इनमें से नीड क्या है इनका? जब मैंने आपको पूछा व्हाट इज देयर गोल इन लाइफ, both are hard working, okay? Both are hard working. This runs for survival. This also runs for survival. Their need for survival is different. समझ आ रहा है? ये अगर नहीं खाएगा उसके पीछे तो ये मर जाएगा. That is why he has to work hard every day in life. Yes or no? भागेगा ना? जिस दिन ये उससे तेज भागेगा ये सवाई करेगा. जिस दिन ये इससे तेज भागेगा ये सवाई करेगा. इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क एंड इट्स ऑल अबाउट नीड. सो आइडेंटिफाई योर गोल इन लाइफ, आइडेंटिफाई योर नीड इन लाइफ. समझ आ रहा है? बोथ आर पावरफुल. इट्स ओनली द नीड दैट मेक्स देम डिफरेंट. है ना? आपको क्या लगता है अगर भगवान ने हिरण को कार्निवोरस बनाया होता तो वो भी तो उसके पीछे भागता? एलिफेंट इतना ह्यूमंगस एनिमल है, वो लायन के पीछे थोड़ी ना भागता. क्यों? क्योंकि उसका वो नीड ही नहीं है. सो गाइस, अंडरस्टैंड योर नीड होता है. आपको क्या बनना है? आपको लाइफ में आर्किटेक्चर बनना है, आइडेंटिफाई दैट. आपको लाइफ में इंजीनियर बनना है, यू थिंक दैट विल बी बिकम. जैसे कोरोना का बोल रहा है ना, कोरोना फैलता है, वैसे ही आपका माइंड सेट
negative ho jaoge because it is contagious. Aap positive logon ke sath raho, aap positive ho jaoge. Samajh rahe ho? Aap productive logon ke sath raho to aap productive hoge, positive hoge, sab hoge. Gossiping is also a habit. Do you know it? Samajh rahe ho? So it's your mindset. Or to protect your mindset, it is your duty. For example, if I'm not a good person, it is his duty to protect himself from me. अगर ये मेरे साथ बार बार रह रहा है तो ये या तो खराब हो जाएगा और अगर मैं अच्छा हूँ तो ये अच्छा होगा. So it's your mindset, protect it. Alright, mindset is very very powerful, very very powerful, guys. ये फोटो को देख के क्या समझ आ रहा है? Okay. Yes. You want to grab that?
आपको राइट साइड में लग्जरी आइटम दिखेगा जैसे पर्सेस होते हैं, ठीक है, वो लग्जरी आइटम दिखेगा। लेफ्ट साइड में कपड़े वगैरह ऐसे होते हैं। क्यों होता है पता है? क्योंकि रिसर्च में ये पता लगा कि जो 70% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है, ओके, उन लोग जब भी एंटर करते हैं मॉल्स में या आउटलेट्स में या बड़े बड़े शोरूम जैसे सारा ये सब में, तो दे हैव एवरी ह्यूमन हैव अ टेंडेंसी टू लुक टुवर्ड्स राइट। एंड पढ़ा होगा आप लोगों ने फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन, तो वो लोग आपके हैबिट को हिट करते हैं, समझ रहे हो? और वो लग्जरी आइटम्स जो रहते हैं वहां पे उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। तो ये दुनिया जो है ना ये हैबिट से चलती है, समझ रहे हो? अब हैबिट का तीन साइकिल होता है। पहला साइकिल को कहा जाता है QCQE, ओके, क्यू। दूसरे को कहा जाता है रूटीन, रूटीन। तीसरे को कहा जाता है रिवॉर्ड। आप अगर रोज रात को मोबाइल यूज करके अगर सोते हो तो दैट इज अ क्यू, दैट इज अ सिग्नल जो आपको रोज मिल रहा है, जो हैबिट फॉर्मेशन हो रहा है। और उसी को आप रोज करने लग जाओगे तो आपका रिवॉर्ड क्या होगा, आप में आपकी जो ब्रेन है ना, आपकी जो माइंड सेट है ना, वो वीक होने लग जाएगी। हमारा ब्रेन में एक मसल है जिसे कहा जाता है विल पावर मसल। विल पावर इज अ न्यूरोप्लास्टिक मसल, आपको पता है, उसको रबर बैंड की तरह वो खींचा भी जाता है, लूजन भी हो जाता है। और वो तभी होगा जब आपकी हैबिट स्ट्रांग होगी। जितने सक्सेसफुल लोग हैं ना दुनिया में, उनकी वीक विल पावर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है? तो आप लोग को अपने हैबिट्स में थोड़ा फोकस कीजिए, ओके? पर वाइस चांसलर इनका एक स्टेटमेंट है, ये बहुत मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा, सो आई थॉट ऑफ यूजिंग इट। यू गाइस नो अबाउट बीपीएल बिलो 49? यू गाइस नो अबाउट दैट बिलो 49? ओके सर, बोलते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पॉवर्टी लाइन ऑफ कंपटीशन, पॉवर्टी लाइन ऑफ कंपटीशन, ओके। किसी भी स्टूडेंट्स की अगर आप लाइफ साइकिल देखो तो कितनी साल की होती है एक ह्यूमन इंसान की, 60, 70, 80 जो भी है। अगर वो स्टूडेंट अपने स्टूडेंट लाइफ में पॉवर्टी लाइन ऑफ कंपटीशन से अगर ऊपर चला जाए तो उसकी बाकी की जिंदगी है ना वो अच्छी जाती है, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है आपको 4-5 साल जो अपन है 10 का एग्जाम दोगे, 12 का दोगे, ग्रेजुएशन का दोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन का दोगे, तो कहने का मतलब ये है कि आप जो 5-7 साल का अगर अपना मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, जैसे कुछ लाइन भी करता है और डीएल भी करता है, अगर आप वैसे मेहनत करोगे तो आप पॉवर्टी लाइन ऑफ कॉम्पिटिशन से ऊपर चले जाओगे। आपकी जो बाकी की जिंदगी है वो बहुत सक्सेसफुल होने वाली है। लेकिन अगर आप पॉवर्टी लाइन ऑफ कॉम्पिटिशन में आप चाहे 10 है, 12 है, ग्रेजुएशन है, पीजी है, तो बाकी की जिंदगी में आपको बहुत दौड़ भाग करना पड़ेगा, ओके? समथिंग गुड? हाँ, ओके। How to enhance
enhance your management skills by utilizing your other hand. It's not necessary that you have to do this, but if you have to do this, if you have to do this, if you have to practice this, then what will happen? Your both brains will be simultaneously powerful. Your thinking ability will grow. And one thing I will tell you, whatever thing you have to practice, that thing will develop your mindset. For example, there is a high chance कि आपको कोरोना हो सकता है। तो इसलिए क्या है? अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप उस चीज से पार हो जाओ। This I'm saying what मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है ना, मैं आपको कुछ वो दे रहा हूँ। There's a book called The Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. Amazing book. इसमें कहा गया है कि ज़्यादातर जो बीमारी है ना, वो इंसान अपने माइंडसेट से ही दूर कर सकता है। Okay. आप लोगों को पसंद आया? बाय। Hard work, you said, both work hard to live in their life, survive in their life.
उसी प्रकार इंसानों को भी हमें भी वी हैव टू वर्क हार्ड इन आवर लाइफ, वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर नीड. आपको अपना नीड आइडेंटिफिकेशन करना है, आपको अपना गोल इन लाइफ आइडेंटिफाई करना है कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है. समझ रहे हो? आपको अगर आर्किटेक्ट बनना है तो आपका नीड है वो आर्किटेक्ट बनना. अब आप अपने गोल को और स्ट्रक्चर करो. अब आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको क्या क्या मेहनत करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे एग्जाम क्रैक करना है, वो सब समझो. आपको डॉक्टर बनना है तो आप वो समझो. समझ रहे हो? वो डॉक्टर बनेगा तो पहले डॉक्टर बनकर ऐसा नहीं करेगा. उसकी मीटिंग लाइफ अलग है, आपकी मीटिंग लाइफ अलग है. अरे अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है. जितने सक्सेसफुल इंसान है ना, दे प्रोटेक्ट देयर माइंडसेट. वो उनको अगर समझ आ गया तो कोई नेगेटिव हिसाब से उनके साथ ज्यादा नहीं करेगा. क्योंकि आपका ब्रेन है, आपके ब्रेन में एक एनर्जी फॉर्म होता है जिसे कॉग्निटिव बैंडविड्थ कहा जाता है. अगर मैं न्यूरोलॉजी के टर्म्स में बोलूं, आई एम एनएलपी सर्टिफाइड. एनएलपी का मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. ठीक है, आई एम सर्टिफाइड.